हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में UPITI स्कॉलरशिप 2024 से 2025 के फॉर्म को ऑनलाइन तरीके से फिलअप करने के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। 3, 2, 1। तो उसके लिए सबसे पहले आपने किसी भी ब्राउजर को ओपन करेंगे। हमने गूगल क्रोम को ओपन किया। इसके बाद सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024 से 2025। इतना टाइप करने के बाद इसको सर्च कर देंगे। इसके बाद पहली वाली लिंक यूपी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में क्लिक करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट वाले सेक्शन में आएंगे। इसके बाद फर्स्ट वाले ऑप्शन रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। इसके बाद अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी जो होंगे वो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में आवेदन करेंगे। इसके बाद जो कैंडिडेट SC ST जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है वो समाज कल्याण विभाग वाले सेक्शन में आवेदन करेगा। तो आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा अगर आप SC ST जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ITI में आवेदन करना है, तो आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा। इसके बाद अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश में क्लिक करना है। माइनॉरिटी कैटेगरी के अंतर्गत मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन तथा पारसी कैटेगरी के कैंडिडेट आएंगे। ओके, तो हम जिसका कर रहे हैं वो हमारा कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का है, तो हम समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश SC ST जनरल वाले सेक्शन में आने के बाद हम पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट में क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होगा। एक पॉइंट का ध्यान रखना, अगर जैसे आप UP के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट हैं, अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट में अपनी स्टडी कर रहे हैं तो जिस डिस्ट्रिक्ट में स्टडी कर रहे हैं उस वाले डिस्ट्रिक्ट को आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आपको सेलेक्ट में क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको अपने ITI को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा SC ST जनरल। इसके बाद रिलीजन को सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट रिलीजन में क्लिक करके धर्म को। इसके बाद आपको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना नेम यहां पर इंटर करना है। मोबाइल नंबर आपको आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद आपने हाई स्कूल किस ईयर में आपने पास किया तो सेलेक्ट ईयर में क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद हाई स्कूल का बोर्ड आपका UP बोर्ड रहा, CBSE बोर्ड रहा, सेलेक्ट में क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद हाई स्कूल बोर्ड का आपको रोल नंबर इंटर करना होगा, वो भी सेकेंड वाले बॉक्स में। इसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाना होगा, तो पासवर्ड आपका 6 से 12 अंकों या अक्षरों के बीच में होना चाहिए। इसके बाद दोबारा से पासवर्ड डालना होगा, कैप्चा कोड डालेंगे, जनरेट OTP में क्लिक करेंगे। पासवर्ड बनाने में 4 चीज़ों का यूज होता है, अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, स्पेशल करेक्टर एंड कुछ डिजिट का यूज किया जाता है। आपको पासवर्ड कैसे बनाना है हमने वीडियो में एग्जाम्पल के रूप में समझा रखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। OTP डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, इसके बाद सबमिट OTP एंड सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। प्रिंट में क्लिक करके इसका रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट निकाल लेना। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आपको सेव एज PDF में क्लिक करके PDF को सेव कर लेना होगा। होम में क्लिक करेंगे, स्टूडेंट वाले सेक्शन में आएंगे। इसके बाद सेकंड वाले ऑप्शन फ्रेश लॉगिन में क्लिक करके थर्ड वाले ऑप्शन पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन इसमें हमें क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके बाद जो पासवर्ड बनाए थे पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, सबमिट में क्लिक करेंगे। सबमिट में क्लिक करते ही आपके सामने VR Sorry का मैसेज लिख के आएगा। इसका मतलब ये है कि दोस्तों अभी वेबसाइट जो है सही तरीके से वर्क नहीं कर रही है, अभी केवल आपके रजिस्ट्रेशन होने स्टार्ट हुए हैं, ना कि पूरा फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हुआ है। इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।